हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बात की अपने बफर सॉल्यूशंस के बारे में, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो हमारे बफर सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। तो यार चलो, हमें ये तो पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। पर यार यहाँ पे बात करें तो हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसका यहाँ पे पीएच है कितना? क्योंकि यार अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है, तो हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपनी बफर इक्वेशन के अंदर, जिसको हम लोग यहाँ पे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर हम लोग अपने बफर इक्वेशन के बारे में, तो बफर इक्वेशन को ही हम लोग यहाँ पे हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे अपने बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यार जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारा बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एसिडिक बफर, दूसरा होता है हमारा बेसिक बफर। तो सबसे पहले हम लोग अपने एसिडिक बफर के लिए अपनी बफर इक्वेशन या फिर हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन को डिराइव करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यार जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो हमारे वीक एसिड और उसके सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और जो हमारा मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसके अंदर वो है हमारा CH3COOH। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग अपने CH3COOH की, तो आप लोग को पता है ये हमारा एक वीक एसिड होता है। देखो, ये सारी बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है, तो अगर आप लोग का बेस नहीं क्लियर है तो आप लोग वहां जाके क्लियर कर सकते हो। तो यार जो हमारा ये CH3COOH है, ये हमारा यहाँ पे डिसोसिएट होता है CH3COOH- में और H+ में, जो कि हमारा पार्शियली डिसोसिएट होता है, यानी बहुत कम डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये हमारा वीक एसिड होता है। तो यार अब आप लोग को यहाँ से लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक भी स्टेप मिस किया तो अगला स्टेप आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग अपने CH3COOH को यहाँ पे A- एज्यूम कर लेंगे, और अगर हम लोगों ने इसको A- एज्यूम कर लिया तो हम लोग जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, अगर इसको इक्वेशन मान ले सिंपली, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ पे बात करें तो CH3COOH की जगह हमारा क्या आ गया, A-, और यहाँ पे जो हमारा CH3COOH है इसकी जगह हमारा क्या आ गया, A। अच्छा बात करें तो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने इसको तो A- एज्यूम किया था, तो यहाँ पे A कैसे आ गया, हमारा माइनस कहाँ गया? तो आप लोग को पता है इधर हमारा ये आयंस के फॉर्म में है, इधर हमारा ये कंपाउंड के फॉर्म में है, और जो कंपाउंड होता है वहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो A- है वहाँ से माइनस चार्ज हट गया। तो यार अब आप लोग को पता है कि हमारा जो CH3COOH है वो हमारा एक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो HA है वो हमारा यही तो है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HA हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, और A- हमारा यहाँ पे सॉल्ट हो गया। तो यार बात करें यहाँ पे कि HA हमारा एसिड हो गया, ये तो चलो हमें समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे A- हमारा सॉल्ट कैसे हो गया? तो यार देखो, अब आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट लगने वाले हैं, तो अगर आप लोग का बेस नहीं क्लियर है तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि CH3COOH हमारा क्या होता है, वीक एसिड, और हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा वीक एसिड होता है वो बहुत कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, यानी बात करें अगर हम लोगों ने मान लो यहाँ पे 10 मोल CH3COOH को डिजॉल्व किया, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे 3 या 4 मोल डिसोसिएट होगा, 6 या 7 मोल हमारा यहाँ का बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यार देखो अब हमें पता है कि जो हमारा एसिडिक बफर होता है उसके अंदर हमारा वीक एसिड तो होता ही है, साथ में उसका सॉल्ट भी होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो इसका सॉल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो फर्दर इसका डिसोसिएशन और कम कर देगा। यानी सिंपली बात करें तो अगर अभी तक मान लो 10 में से 3-4 मोल डिसोसिएट हो रहे थे, तो अब सिर्फ 1 या 2 मोल होंगे, और ये रिएक्शन हमारी जो है पीछे की तरफ भागने लगेगी। यानी कि सिंपली बात करें तो जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर मान लो सॉल्यूशन लिए एसिडिक बफर का, तो उसमें जो हमारा CH3COOH है वो पूरा का पूरा यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से हमारा बहुत कम, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि नेग्लेजिबल अमाउंट में आ रहा होगा। यानी जो हमारा पूरा का पूरा CH3COOH है हमारे सॉल्यूशन में, वो हमें यहाँ पे CH3COOH से देखने को मिलेगा। और CH3COOH क्या है, बेस है, यानी कि जो हमारा CH3COOH है जो हमारे यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि देखो मिल तो ये यहाँ से भी रहा है, यहाँ से भी रहा है, लेकिन जो हमारा इधर वाला है ये बहुत कम है। ठीक है, यानी कि बात करें तो ये हमारा बहुत कम अमाउंट में है, और ये तो हमारा पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो ये हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यार जब ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इस CH3COOH को हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के टर्म में एज्यूम कर लेंगे।
और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो। अच्छा देखो, अभी जो मैंने बताया अगर वो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, आप लोग को लिख के सिर्फ यहाँ पे इतना आना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप सिंपली लिख देना कि ए माइनस को हम लोग यहाँ पे सॉल्ट मान लेते हैं, ठीक है, मान नहीं लेते हैं, यहाँ पे हमारा ए माइनस सॉल्ट होता ही है। सो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपनी फाइनल डेरिवेशन पे। देखिए यार, वो सारी चीज़ें बताना यहाँ पे जरूरी था क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो हमें बताते ही नहीं कि हमारा एच ए कहाँ से आया, एच प्लस कहाँ से आया, ए माइनस कहाँ से आया, और आप लोग यहाँ पे जो है पूरी रिएक्शन को रट लेते हो, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यार देखो, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ो आप लोग को सब चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे उतना सारा कुछ डिस्कस किया, बाकी जो हमारी मेन रिएक्शन है वो तो हमारी यहीं से शुरू होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि एच ए हमारा यहाँ पे एच प्लस और ए माइनस में ब्रेक हो रहा है, एच ए हमारा यहाँ पे क्या था, एसिड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर देंगे, जिसके अंदर हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग को पता है कि जो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन है इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या है, एच प्लस और ए माइनस, और हमारा रिएक्टेंट क्या है, एच ए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे और जो हमारी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो ये हमारा सिंपली कंसेंट्रेशन, देखो ये जो ब्रैकेट है ये हमारी कंसेंट्रेशन को डिनोट करता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे एच प्लस को हम लोग एक साइड कर लेंगे और बाकी चीज़ों को एक साइड कर लेंगे। तो आप लोग को पता है कि एच ए हमारा यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ए माइनस यहाँ पे ऊपर है तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एच ए हमारा के ए के साथ हो गया और ए माइनस हमारा यहाँ पे नीचे आ गया और एच प्लस हमारा ऐसे का ऐसे बचा रहेगा। अच्छा देखो, अब इसी रिएक्शन को हम लोग जो है पलट के भी लिख सकते हैं, यानी एच प्लस इज इक्वल टू के एच ए अपॉन ए माइनस। तो यार जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था कि जो एच ए होता है वो हमारा क्या होता है, एसिड, और ए माइनस क्या होता है, हमारा सॉल्ट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन थी, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एच ए की जगह हम लोगों ने क्या किया, एसिड लिख दिया, ए माइनस की जगह सॉल्ट। तो अब हम लोग की रिएक्शन क्या हो गई, एच प्लस इज इक्वल टू के ए कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है माइनस लॉग दोनों साइड ले लेंगे। आप लोग को पता है कि मैथ्स में हम लोग जो है अगर दोनों साइड किसी चीज़ को ले ले रहे हैं तो हमारी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस लॉग को लेने के बाद हम लोग अपनी रिएक्शन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ एस प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा देखो, अब हमारे लॉग के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और जैसा कि हमारे यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है तो जब माइनस यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो के ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोग इसको अगर लॉग ए इंटू बी में ज्यूम कर लें तो हम लोग इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। और जैसा आप लोग को पता है कि हमारा माइनस साइन यहाँ पे बाहर लगा हुआ है तो माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो प्लस था वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ एस प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। देखो ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में नहीं आई तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपली देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस लॉग, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा था, के ए कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए को के ए मान लें और बी को हम लोग जो है एसिड अपॉन सॉल्ट मान लें तो हम लोग जो है अपनी अबो रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो माइनस को क्या करते हैं, माइनस को हम लोग बाहर रहने देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग के ए प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि माइनस, आप लोग को पता है कि माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। तो सिंपली हमारा यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को यार थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो यार देखो, यहाँ पे मैं इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बायो के स्टूडेंट हो और यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक मैथ्स लग रही है जिसमें कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब यहाँ पे देखो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस हमारा क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि वो हमारा क्या होता है, पी एच, पी एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे पी एच लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पी एच हो सकता है तो माइनस लॉग ऑफ के पी के हो सकता है,
देखो सिंपल है ना, यहाँ पे एच की जगह यहाँ पे एच है और यहाँ पे माइनस लॉग की जगह पी आ गया, तो यहाँ पे माइनस लॉग की जगह अगर हम लोग पी कर दें तो के ए की जगह के, तो सिंपली हम लोग माइनस लॉग के ए को पी के लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद हमारी रिएक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, पी एच इज इक्वल टू पी के माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और इसी रिएक्शन को हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस हमारा प्लस में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग ए अपॉन बी को बी अपॉन ए कर दें तो हमारा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि सॉल्ट हमारा क्या हुआ, ऊपर चला गया, एसिड हमारा नीचे आ गया, इसीलिए हमारा जो माइनस है वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यार यहाँ पे इस वाली रिएक्शन को यूज करके आप लोग यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है, और एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछी जाती है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को एक एक चीज़ बहुत ही बेसिक से डिटेल में बता सकूं। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।